ये है एस्ट्रोवास्तु, पहला दिन एस्ट्रोवास्तु की क्लास। मैं हूं उपेंद्र अग्रवाल, जो कि आपको बताऊंगा एस्ट्रोवास्तु के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उपेंद्र अग्रवाल है। मुझे इस फील्ड में 21 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट, टैरो रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल एंड एंजल हीलर, लामा पेरा हीलर और पेंडुलम रीडर भी हूँ। मेरी वेबसाइट है www.upendguruji.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर 7535993999, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है। तो अब हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। आई थिंक कुंडली जो है सबको यहाँ पर नहीं आती होगी कि कुंडली कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुंडली होती क्या है और उसे देखते कैसे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से। तो बेसिकली कुंडली के जो है अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है भाव, दूसरा होता है राशि और तीसरा होता है प्लैनेट्स। भाव जो है वो 12 होते हैं, 12 भाव होते हैं, जिसे हाउसेस भी कहते हैं। इसी तरह से 12 हाउसेस के अंदर 12 राशियां भी होती हैं और प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट प्लस 2, 7 प्लैनेट्स होते हैं प्लस 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। ये एक ब्लैंक कुंडली है। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है तब ये इन्हें कहेंगे हाउसेस, क्योंकि ब्लैंक कुंडली जो है भाव को दर्शाती है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपके 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए तो फिर आपको कुंडली देखनी मिल जाएगी और एस्ट्रो वास्तु भी आप लोग सीख जाएंगे बहुत आराम से। और मैं आपको बता दूं, मेरी जो फ्री की क्लासेस है ये पेड की तरह ही होती है, बल्कि पेड क्लासेस से अच्छी होती है, क्योंकि एक बार जो टॉपिक मैं ले लेता हूं उसे मैं खत्म करके ही फिर हटता हूं। किसी भी टॉपिक को मैं बीच में नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ब्लैंक जो है कुंडली है। ब्लैंक कुंडली दिखाती है भाव, हाउसेस। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, सातवां घर, आठवां घर, नवां घर, दसवां घर, ग्यारहवां घर और बारहवां घर। इसे ही हाउसेस कहते हैं, इसे ही भाव कहते हैं और इसे ही घर कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, अगर ब्लैंक कुंडली है तो वो दर्शाती है घर को। ये रूल फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। घर की जो खाने हैं, घर के जो घर हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। इसलिए ये इनविजिबल रहते हैं, हिडन रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ही सेट रहते हैं। जैसे हम जिसे देखेंगे उसे कहेंगे फर्स्ट हाउस, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसे कहेंगे हम सेवेंथ हाउस। एक चीज और बताऊं, यहाँ पर जो है फर्स्ट हाउस को हम लगन कहते हैं, फर्स्ट हाउस को लगन कहते हैं। दूसरा आते हैं राशि पे, चौड़िक साइन। इन खानों के अंदर जो आपको नंबर दिख रहे हैं लिखे हुए, इन खानों के अंदर जो नंबर दिख रहे हैं वो राशियां हैं, और यहां पर नंबर के हिसाब से मैंने राशियां लिखी हुई है। पहले नंबर को एरीज कहते हैं, दूसरे को टॉरस, तीसरे को जैमनी, थर्ड को जैमनी, फोर्थ को कैंसर, फिफ्थ को लियो, सिक्स को वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये 12 राशियां हैं, उनके नाम हैं। अभी यहां पर एग्जांपल से मैं दिखा दूं, अगर यहां पर ये 4 नंबर लिख रहा है तो 4 नंबर का मतलब है फोर्थ राशि, यानी कि कैंसर। इसी तरह से यहां पर का 7 नंबर लिख रहा है तो यहां पर हम देखेंगे 7th हाउस में 7 कलर की 7 नंबर की राशि है, यानी कि लिब्रा। लिब्रा जो है यहां पर राशि है, ठीक है। ये पहले घर में पहली राशि बैठी है, इत्तेफाक की बात है कि ये मैंने बना दिया। यहाँ पर सबकी राशियां अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पर किसी की 2 नंबर भी राशि हो सकती है, किसी की 3 नंबर भी हो सकती है, किसी की 4 और यहाँ तक की 12 नंबर भी लगन में आ सकता है, ठीक है।
अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि आ गई, अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि आ गई तो क्या कहेंगे हम? लगन में कैंसर राशि बैठी है, यहाँ पर साइन है वो कैंसर है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं हम प्लैनेट्स पे। 9 प्लैनेट्स होते हैं, सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट हैं और ये जहां पर भी होते हैं वही घर उनका होता है। ये 9 प्लैनेट कभी कभी अच्छे घर में जाकर के बैठ जाते हैं, अपने मित्र के घर में बैठ जाते हैं, कभी कभी अपने दुश्मनों के घर में बैठ जाते हैं, उसी हिसाब से फल मिलता है। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर सन जो है लगन में बैठा हुआ है, डेट मीन सन जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है या फिर लगन में बैठा हुआ है। अगर मैं सैटर्न की बात करूं, सैटर्न आपको मिलेगा 7th हाउस में, 7वें घर में बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है? 7th राशि में बैठा हुआ है। इसी तरह से मरकरी 6th हाउस में बैठा हुआ है, मार्स 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4th राशि में बैठा है, कैंसर राशि में बैठा हुआ। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सीधे चलते हैं हम वास्तु कुंडली पर। ये है वास्तु कुंडली और यहां पर भी जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन और ट्वेल्थ, 12 भाव हैं और राशियां भी है इसमें 1, 2, 3 दी गई है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली में जिस तरह से भाव होते हैं उसी तरह से उसमें राशियां होती हैं। अब ये बताती क्या है, हम इसे देखते हैं, ये इंडिकेट क्या करती हैं, क्या हमें बताती हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो है ये दिशा जो है ये ईस्ट है और ये दिखाती है सेल्फ ऑफ फेम को। सेकेंड नंबर की राशि जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, सेकेंड नंबर हाउस जो है वो नॉर्थ वेस्ट का है, थर्ड नंबर जो भाव है वो साउथ का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये पीपीटी आपको नहीं मिलेगी तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। फोर्थ जो भाव है उसका नॉर्थ ईस्ट है, इसी तरह से ईस्टर्न वॉल, और सिक्स हाउस नॉर्थ, और 7th हाउस जो है साउथ वेस्ट, और 8th हाउस जो है साउथर्न वॉल, 9th हाउस जो है वो सेंटर को दिखाता है। ये बता रहा हूँ आपके घर की दिशाएं, ये कुंडली दिखा रही है आपके घर की दिशा, ठीक है। 10th हाउस दिखाता है आपके वेस्ट को, यानी आपके वेस्ट का क्या हाल है, आपके वेस्ट में घर का जो वेस्ट है वहां पर क्या रखा हुआ है, ठीक है। 11th हाउस दिखाता है वेस्ट वॉल को, ये वेस्ट की वॉल आपकी कैसी है, वहां के आसपास क्या है, क्या वहां पर कोई वास्तु दोष तो नहीं है, और अगर है तो वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है। इसी तरह से 12th हाउस दिखाता है साउथ ईस्ट को। अच्छा, इन सभी हाउसेस के अपने अपने ग्रह हैं, ग्रह यहाँ पर असाइन किए गए। फर्स्ट हाउस को दिया है सन, सन जो है मेष राशि में उच्च का होता है इसलिए यहाँ पर इसे स्थान दिया गया है। सेकंड में मून, मून जो है सेकंड हाउस में उच्च, सेकंड राशि में उच्च का होता है इसलिए जो है मून को यहाँ पर दिया गया है। और थर्ड हाउस जो दिया गया है वो दिया है मार्स को, ये जो है मंगल का अपना घर है थर्ड हाउस, इसलिए मंगल को यहाँ पर दिया गया है। फोर्थ हाउस का दिया गया है जुपिटर को, यानी गुरु, यहाँ पर जो गुरु है वो उच्च का हो जाता है, उच्च के गुरु यहाँ हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर प्लेस किया गया है। और फिफ्थ हाउस जो है वो दिया गया है सन को, फिफ्थ राशि जो है सन की स्वराशि अपनी राशि है इसलिए यहाँ पर सन दिया गया है। और सिक्स हाउस में जो है मरकरी, मरकरी जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं
इसलिए यहां पर मरकरी को स्थान दिया गया है। सातवां, सातवां को दिया गया राहु। राहु क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पितरों का स्थान है, साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वो आपके पितरों की होती है, इसलिए यहां पर राहु को स्थान दिया गया है। एट्थ हाउस राशि होती है, हाउसेस में मार्स, मंगल, मंगल आठवीं राशि में, वृश्चिक राशि में स्वराशि के होते हैं, इसलिए यहाँ पर मंगल को स्थान दिया गया है। और केतु, केतु को दिया गया है सेंटर का है, ठीक है, धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं, इसलिए ने सेंटर दिया गया। वेस्ट को जो है टेंथ हाउस को सैटर्न, सैटर्न की स्वराशि, शनि की स्वराशि है ये, इसी तरह से सैटर्न इलेवेंथ हाउस में स्वराशि के हैं, इसलिए सैटर्न मिले। और वीनस जो है बारहवीं राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए शुक्र को यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया वास्तु कुंडली, अब हम देखते हैं इन्हें देखते कैसे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पीपीटी आपको नहीं मिलेगी और आगे आपके बहुत काम आने वाली है। अच्छा, साथ ही साथ बता दूं, फर्स्ट हाउस जो बताता है वो बताता है सेल्फ और फेम को, सेकंड हाउस जो बताता है वो बताता है मनी को, मनी, थर्ड हाउस बताता है ट्रेवल को, फोर्थ हाउस बताता है व्हीकल को, हाउस को, फिफ्थ हाउस बताता है एजुकेशन को, आपके लव अफेयर को, चिल्ड्रंस को, सिक्स हाउस बताता है लोन को, जॉब को और बीमारी डिजीजेस को, सातवां जो घर है वो बताता है मटेरियल लाइफ को, शादीशुदा जिंदगी या फिर मैरिज को, और एट्थ हाउस दिखाता है लंबी बीमारियां, नाइन्थ हाउस दिखाता है लंबी ट्रैवल यानी कि लंबी यात्राओं, टेंथ हाउस दिखाता है प्रोफेशन को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हैंड डाउन कर लीजिए, आप सभी को मैं बोलने का मौका दूंगा, सभी की मैं सुनूंगा, अभी मैं किसी के क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अगर मेरी एक बार लय बिगड़ गई तो फिर थोड़ी सी संभलने में टाइम लगेगा। मीना जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड डाउन कर लीजिए और जब मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन पूछने के तब आप हैंड ओपन करके, हैंड राइज करके अपना पूछ सकते हैं, सभी को मौका दूंगा आपके क्वेश्चन पूछने का। टेंथ हाउस दिखाता है प्रोफेशन को, इलेवेंथ हाउस दिखाता है गेन को, पैसे को, इनकम को, और ट्वेल्थ हाउस दिखाता है फॉरेन ट्रेवल या लेडिगेशन। अब यहां पर आते हैं फ्रेंड एनिमी चार्ट, कौन सा ग्रह दोस्त है कौन सा दुश्मन है ये यहां पर हम देखने वाले हैं। तो एक तरफ तो मैंने लिखे हैं देव ग्रह, देवता ग्रह, देव ग्रह कौन से हैं, सन मून मार्स जुपिटर, सन मून मार्स जुपिटर। राक्षस ग्रह कौन से हैं, सैटर्न राहु केतु वीनस और मरकरी, ये शत्रु ग्रह हैं, राक्षस ग्रह सॉरी। अब सिंपल सा रूल है, देव देव जितने भी ग्रह हैं वो आपस में मित्र हैं और राक्षस राक्षस जितने भी ग्रह हैं वो आपस में मित्र हैं, राक्षस राक्षस मित्र, देव देव मित्र। अब यहां पर अगर देव और राक्षस को मिलाएंगे तो वो आपस में शत्रुता है, ठीक है। सन मून मार्स जुपिटर, इनकी जो शत्रुता है वो किससे है, वो है राक्षस, राक्षस ग्रह से। सन के साथ सैटर्न आ गया तो सन जो है खराब हो गए, सन के साथ राहु आ गया तो सन खराब हो गए, सन के संग केतु आ गया तो सन खराब हो गए, इसी तरह से मून के संग सैटर्न बैठ गया तो मून पे फर्क पड़ गया, निगेटिव इफेक्ट आ गया, मून के संग राहु आ गया तो मून पे इफेक्ट पड़ गया और मून के संग केतु आ गया तब भी मून खराब हो गए,
अपना खराब असर वो देने लगे। इसी तरह से मार्स, मार्स के साथ सैटर्न, मार्स खराब हो गए। मार्स के साथ राहु, मार्स खराब हो गए, मतलब खराब फल देने लगे। मार्स के संग केतु, वो ये खराब फल देने लगे। यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं जो कि मैंने डिटेल में लिखे हैं। सन और मरकरी फ्रेंड होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था रूल कि सन के नाम है देव और राक्षस अपन शत्रु होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। जैसे यहाँ पर सन और मरकरी, सन हो गए देव देव ग्रह और मरकरी हो गए राक्षस ग्रह, लेकिन फिर भी ये फ्रेंड हैं। इसी तरह से जुपिटर और मरकरी फ्रेंड हैं, केतु और मार्स ये एनिमी, सॉरी केतु और मरकरी, केतु और मरकरी जो है वो एनिमी, जबकि केतु भी राक्षस ग्रह है और केतु और मरकरी एनिमी है, और वीनस और जुपिटर ये न्यूट्रल है, ये ना तो मित्र हैं ना ये शत्रु हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं। वीनस और मरकरी, सॉरी वीनस और मार्स ये फ्रेंड है। ये यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैंने बता रहा हूँ, नाड़ी ज्योतिष के यहाँ से मैंने बताया है, उनके रूल मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि नाड़ी ज्योतिष में कौन मित्र है कौन शत्रु है। वीनस प्लस राहु एनिमी, वीनस प्लस केतु दोनों शत्रु हैं, सैटर्न प्लस जुपिटर ये न्यूट्रल हैं, सैटर्न और राहु एनिमी है और सैटर्न और केतु ये भी एनिमी है। इसका भी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये भी आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब हम चलते हैं दृष्टियों पे। सभी नौ ग्रह की सातवीं सेवेंथ दृष्टि होती है, लेकिन यहां पर मार्स की, जुपिटर की और राहु केतु की कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां, साथ में सैटर्न की भी कुछ एक्स्ट्रा दृष्टि। मार्स को जो है वो दी गई है चौथी और आठवीं दृष्टि, जुपिटर को दी गई है पांचवीं और नवीं दृष्टि, शनि सैटर्न को दी गई है तीसरी और दसवीं दृष्टि, और राहु केतु को दी गई है पांचवीं और नवीं दृष्टि। अब इसका मतलब बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। यहां पर जैसा आप सन देख रहे हैं, सन की सातवीं दृष्टि है, तो सन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जहां पर सन बैठा हुआ है, जहां पर सूर्य देवता बैठे हुए हैं, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। तो सूर्य देव की जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ रही है कहां पर, सेवेंथ हाउस में, ठीक है। इसी तरह से मून की कौन सी दृष्टि है, सेवन, तो मून कहां बैठे हैं, मून बैठे हैं थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हम गिनेंगे कौन सा, सातवां। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर बैठे हैं चंद्र देवता वहीं से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा मून से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, यानी कि चंद्रदेव जो है अपनी दृष्टि जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं नाइन्थ हाउस में। बैठे कहाँ पर है, थर्ड हाउस में, जो मैंने सबसे पहले आपको ब्लैंक बताया था उस हिसाब से यहाँ पर थर्ड हाउस है और दृष्टि डाल रहे हैं वो नाइन्थ। इसी तरह से हम चलते हैं मार्स की तरफ, मंगल, तो मंगल देव की चौथी दृष्टि है, तो जहां पर मंगल बैठे हैं वहां से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एक दृष्टि तो यहां पर आ गई। दूसरी दृष्टि देखते हैं कौन सी है, सातवीं दृष्टि, फिर से यहां से गिनना शुरू करेंगे, जहां पर मंगल बैठे हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, ये हो गई मंगल की दूसरी दृष्टि। अब तीसरी कौन सी है, आठवीं दृष्टि, तो जहां पर मंगल बैठे हैं फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सात और आठ। इस तरह से मंगल देव की जो है चार सात आठ जो है हमने दृष्टि देखी। जहां पर ग्रह बैठा वहीं से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ जाएं।
हम ले लेते हैं जुपिटर की, इनकी दृष्टि है 5, 7, 9। तो गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? गुरुदेव बैठे हैं 8th हाउस में। तो यहां से इनकी पहली गिनेंगे 5वीं दृष्टि। तो कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे? जहां पर जुपिटर बैठे हैं, जहां पर गुरुदेव बैठे हैं, वही हाउस होगा पहला हाउस। तो फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो गुरु ने अपनी पहली दृष्टि जो डाली है वो डाली है 12th हाउस में। फिर दूसरी दृष्टि है 7th। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7th दृष्टि डाली उन्होंने कौन से हाउस में? सेकंड हाउस में। अब लास्ट जो है वो है 9th दृष्टि गुरु की। तो कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे? जहां पर गुरु बैठे हैं। तो फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 और 9। यहां पर नवी दृष्टि जो है गुरु की आ रही है 4th हाउस पर। तो दृष्टि का मतलब है जहां जहां गुरु देख रहे हैं वहां पर ये अपना प्रभाव छोड़ेंगे। जहां पर बैठे हैं वहां तो उनका प्रभाव है ही है, जहां पर वो देख रहे हैं, इन्होंने 12th हाउस को देखा, यानी कि 12th हाउस पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। इनका जो जुपिटर का जो प्रभाव है वो 12th हाउस पर भी है। और 7वीं दृष्टि डाली 2nd हाउस पे, तो यहाँ 2nd हाउस पर भी इनका गुरु का प्रभाव है। और 3rd दृष्टि जो डाली इन्होंने अपनी नवी दृष्टि 4th हाउस पर डाली है, तो यहाँ भाई 4th हाउस में भी उनका प्रभाव है। तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काफी काम आपके आने वाला है। अच्छा, ये बाद में देखते हैं। तो वापस हम थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु की तरफ चलते हैं। ये मैंने अभी तक बताया आपको कुंडली कैसे देखती है, जिससे कि आप सभी लोग अभी अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाएं और देखना स्टार्ट कर दें तुरंत, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसे रूल बताने वाला हूं आपको जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तुरंत मैं लाइव प्रेडिक्शन करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अच्छा, ये कुंडली चाहे आपका अपना घर हो या आप रेंट पर रहते हो, ये हर जगह आपको वास्तु दोष मिलेगा। तो सबसे पहला रूल तो है, अगर किसी घर में, अगर किसी हाउस में 2 या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठे तो उस दिशा में वास्तु दोष होगा ही होगा। ये जो है पहला रूल है, ठीक है। अब कैसे पता करें कि शत्रु ग्रह कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया सैटर्न राहु कहीं बैठ जाए, जहां भी बैठे होंगे उस दिशा में वास्तु दोष होगा ही होगा। मून के साथ चंद्रमा, मून के संग सैटर्न बैठ जाए तो वास्तु दोष होगा, एक साथ कॉम्बिनेशन बना करके। या फिर सैटर्न ने मून पर दृष्टि डाल दी, सैटर्न की मैंने बताई थी अभी 3 दृष्टियां, उनमें से कोई भी दृष्टि अगर मून पर पड़ गई तो जहां पर मून बैठा है, जहां पर चंद्रदेव बैठे हैं, उस हाउस में आपके घर के उस दिशा में वास्तु दोष होगा ही होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी की कुंडली में सन और सैटर्न की युक्ति है या मून और राहु की युक्ति है, आपस में किसी की युक्ति है तो वो हैंड रेस कीजिएगा, उनकी मैं कुंडली लेने वाला हूं और उन्हीं से मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताने वाला हूं। सुमन अरोरा जी, सर मेरी कुंडली में मंगल एंड राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं। कौन से हाउस में? 8th हाउस में। 8th हाउस, मंगल और राहु 8th हाउस, यानी कि क्या दे रहा है? हाँ, 8th हाउस किसका है? लंबी बीमारियों का। और दिशा कौन सी है? साउथ एंड बॉल, यानी कि साउथ दिशा। तो यहाँ पर राहु से रिलेटेड, या फिर मंगल बताया ना आपने, कौन सा बताया दूसरा? यस, मंगल एंड राहु से। मंगल, मंगल से रिलेटेड और राहु से रिलेटेड चीजें वहां पर रखी हुई हैं। मंगल, राहु की कौन सी चीज होती है? राहु की चीज टॉयलेट सर, राहु का टॉयलेट होता
बाथरूम, कूड़ा, है ना, बराबर, वो सब राहु की चीजें होती हैं। तो अगर वहां पर ये सब चीजें हैं तो लंबी बीमारियां जो हैं आपके घर में बनी रहेंगी। सर मेरे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, नो डाउट, मैंने उसको ट्रीट करवा लिया। अब ट्रीट करवाने के बावजूद भी क्या लॉन्ग इलनेस बनी रहेगी सर? नहीं, अगर आपने ठीक करवा लिया है तो उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। हाँ, मैंने उसका ट्रीट करवा लिया है वास्तु से ना, उसको सारा ब्लॉक करवा के सर। ठीक, बहुत बढ़िया किया, इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये ना एस्ट्रोवास्तु बहुत जल्दी काम करता है, 15 दिन के 10 के बाद ये रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाती है इसके, है ना। चलिए ठीक है, दूसरे की कुंडली ले लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। चंदन दास जी अनम्यूट कीजिएगा। चंदन दास जी अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। बताइए किसकी युक्ति बैठी है? सिक्स हाउस में जुपिटर एंड मून है और 12th हाउस में राहु, सैटर्न एंड सूर्य है, कुंभ लग्न का कुंडली है। ठीक है, 12th हाउस में बताया आपने सन, सैटर्न और राहु। तो सन सेट 12th हाउस किसका है? साउथ 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 वेस्ट वेस्ट साउथ ओ सॉरी 12th हाउस साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का। दैट मींस आपके घर का जो साउथ ईस्ट है वहां पर आपको वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? लैट्रिन बाथरूम कुछ हो सकता है, लोहे की चीजें हो सकती हैं, खराब चीजें होंगी, है ना। इससे क्या होगा, आपके पास जो रुपया है वो कहीं फंसा हुआ, आपके पास इनकम जो है वो कम। एक्चुअली मेरा साउथ ईस्ट में कोई तो टॉयलेट बाथरूम ऐसा कुछ नहीं है, बेडरूम है, साउथ ईस्ट में मेरा बेड है। और मैंने एक्चुअली मेरा क्या है, मेरा पिताजी का घर और मेरा घर एक ही है, ठीक है, हम दोनों अलग रहते हैं लेकिन दोनों अलग अलग पोर्शन हम लोग यूज करते हैं, दोनों का रस्ते ही अलग है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रस्ते से मैं बताऊं आपको, रस्ते से फर्क नहीं पड़ता जितनी आपकी बाउंड्री है। नहीं नहीं, रस्ते नहीं, मेरा बाउंड्री में दोनों घर है, ठीक है, एक एक पोर्शन हम यूज करते हैं और एक पोर्शन माता पिताजी यूज करते हैं, दोनों अलग रहते हैं लेकिन एक ही छत के अंदर दोनों का अलग अलग डिवीजन पोर्शन है। वहां पे आपने दीवार खिंचवा रखी होगी बीच में? नहीं, मैंने घर ही ऐसे पहले से बना हुआ है, हम लोग स्टार्टिंग से बना हुआ है, जो आपने बनवाया। हाँ, हाँ, पहले मेरा बीच में उनकी जो नींव भरी हुई है वो बीच में, दोनों की अलग अलग बीच में नींव जो है वो अलग अलग है। हाँ, पिताजी दूसरे गेट से घुसते हैं, हम दूसरे गेट से घुसते हैं, लेकिन छत एक ही है। गेट का मतलब नहीं है, मैं बाउंड्री, नींव जो है नीचे जमीन पर उनकी अलग है और आपकी अलग है ना, दोनों का बाउंड्री एक है, ठीक है, पिताजी का ही घर है, हम पिताजी का घर में ही रहते हैं लेकिन एक एक छत के नीचे दोनों, एक्चुअली क्या होता है, एक टावर के बीच में 5-6 फ्लैट रहता है, ऐसे ही हम लोगों का घर है। हाँ, हम जो जिस पोर्शन यूज करते हैं एक ही छत के नीचे है दोनों का घर। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए साउथ ईस्ट में कुछ है कि नहीं है? एक्चुअली मेरे टोटल हिसाब से हम पकड़े तो साउथ ईस्ट में मेरा मम्मी का रसोई है, और मेरा जो साउथ ईस्ट है पकड़े तो मेरा उसमें बेड है। अच्छा। और पिंक कलर का वॉल है वहाँ पे, पिंक कलर का वॉल है, यानी कि वास्तु बनवा रखा है वो, वास्तु को साउथ ईस्ट का जो वॉल है वो पिंक कलर का है। ठीक है, तो वहाँ रसोई में ना कहीं आपकी गैस तो जल्दी जल्दी खराब नहीं होती, गैस यूज करते, क्या यूज करते हैं आप? हाँ, वो पर गैस ही यूज होता है, मम्मी का गैस यूज होता है। हाँ, तो गैस तो जल्दी जल्दी खराब नहीं आती है साउथ ईस्ट में है मम्मी का? साउथ ईस्ट में, हाँ, जो वहाँ पर चीज कहीं गैस के बराबर पानी तो रखा हुआ नहीं है? नहीं, पानी एकदम उसका नॉर्थ ईस्ट में है, उसका जो ये है, हाँ, वो साउथ ईस्ट में है, उसका जो पानी उस रूम के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में पानी है बेसिन है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जो गैस के बगल में पानी तो नहीं रखा कोई? नहीं नहीं सर। ठीक है, कोई बात,
सर एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे एक हाँ घर में, जैसे अभी ये भी बता रहे हैं, जैसे वो चार जने रहते हैं, एक कपल और दो बच्चे हैं, तो जरूरी तो नहीं ना चारों की सेम चार्ट में ये दोष हो, जिसके चार्ट में ये दोष होगा तो उसी को प्रॉब्लम होगी फिर। जी, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कौन बोल रहा था ये? सर मैं सुमन बोल रही हूँ। सुमन जी, इसका हाँ एग्जांपल। जी सर, आपका नेटवर्क चला गया आई थिंक। जी जी अब ठीक आ रहा है? हाँ जी अब ठीक आ रहा है ठीक है। हाँ तो क्या, कहाँ पर थे हम, क्या क्वेश्चन पूछा था सुमन जी ने? सर। सर अगर एक घर में चार जने रहते हैं, एक पेरेंट्स और दो बच्चे हैं, तो किसके चार्ट में से देख के हम ये बोलेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष है, या सबके एल्डर्स का देखेंगे या किसका देखेंगे सर? देखिए, अगर किसी की ग्रह की खराब दशा चल रही है, कोई ग्रह खराब है किसी का, तो वहां पर वास्तु दोष होगा ही होगा। नहीं सर, आप जैसे सपोज मेरा ही ले लो, मेरे आप 8th हाउस में, मैंने आपको बोला मेरा मंगल एंड राहु है, तो ठीक है डायग्नोस हो गया। अगर सपोज मेरे हस्बैंड के में कोई भी ऐसा नहीं है, तो फिर हम कैसे डायग्नोस करेंगे सर, ये पूछ रही मैं। आपके हस्बैंड की कुंडली में जहां भी शत्रु ग्रह बैठे होंगे, तो वहां का वास्तु दोष देखेंगे हम, ठीक है। कि वो उन्हें प्रॉब्लम कर रहा होगा। आपकी कुंडली में जहां पर है वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, और ये प्रॉब्लम कब करेगा? जब उसकी दशा आएगी, जब उसका समय आएगा, है ना? तो सर यू मीन टू से कि हम जिसके भी घर में अगर चारों का देखेंगे, जहां जहां होगा तो वहीं वहीं उनको प्रॉब्लम होगी उस मेंबर को। जी, वैसे हम जो एस्तो वास्तु करते हैं, ये करते हैं घर के मेन का जो कमारा हो, ओके अर्निंग कर रहा हो, उसके हिसाब से हम राइट तो वास्तु करते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो, अब ओके जैसे शादी रुकी पड़ी है ना, हाँ तो हाँ उसकी शादी के हिसाब से हम करेंगे, जिससे उसकी शादी हो जाए। उस समय अर्निंग वाले की नहीं देखेंगे, घर के हेड की नहीं देखेंगे हम, है ना? ओके ठीक, और थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद। मन्नू जी, हाय गुड इवनिंग सर, मेरे 12th हाउस में और 6th और 2nd हाउस में हो रहा है। 12th हाउस में वीनस सन और मर्करी कंबस्ट है, एंड 2nd हाउस में आई थिंक यूरेनस है, और पीएल क्या होता है? प्लूटो। प्लूटो। तो यहाँ पर हम प्लूटो, यूरेनस ये सब नहीं लेते हैं, नेपच्यून हम के ओके, ग्रह लेते हैं, तो इतना 12th मैंने हाउस आपको में अभी वीनस, बताया। अच्छा सॉरी, तो 12th हाउस में वीनस है, सन है और मर्करी कंबस्ट। ठीक है, तो वहां पर आपके 12th हाउस होता है, किसका, कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। तो वहां पर आपको इन सब की चीजें मिलेंगी, सन से रिलेटेड चीज मिलेगी, ये पीली चीज हो सकती है, कोई दावे की चीज हो सकती है, या फिर टाइप की चीज मिलेगी, बुध, पेड़ पौधे, हरा कलर, इस टाइप की चीजें वहां पर मिलेंगी। और तीसरा कौन सा बताया आपने? गुरु, सो वीनस सन और मर्करी। वीनस, शुक्र, है ना? शुक्र मैं बताने वाला हूँ आगे, तब हम क्रॉस चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आप वहां ओके पर बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीजें वहां पर प्रॉब्लम कर रही होंगी। सर, मगर वहां पे कोई पीला रंग नहीं है, कोई तांबा नहीं है, खाली एक पौधा जरूर है साउथ ईस्ट में। ग्रीन कलर का, तो ऐसा हाँ कि ना बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? दो तीन चीजें नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मैं बताऊंगा, लिस्ट आपको दूंगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ तांबे का हो गया, ये सब चीजें फेमस होती हैं, जो अधिकतर मिलती है वहां पर, इसलिए मैंने बताया, ठीक है? साउथ थैंक यू ईस्ट में अगर पौधा होता है तो वो नुकसान देता है, आपकी इनकम को रोकता है, प्लस कोर्ट केस वगैरह ये पीछे लगा देता है, तो एडवाइस करूंगा कि वहां से जो है आप उसे पौधे को हटा दें। सर। ओके सर, मगर साउथ तो ग्रोथ का भी होता है, तो बहुत किसका कंफ्यूज। ग्रोथ का, किसका होता है? ग्रोथ। ग्रोथ का हाँ साउथ ईस्ट ओके साउथ ईस्ट। पैसा आता है ना, अभी ना आप दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें पता लगेगा, आपको पूरा वास्तु को लेने वाला हूँ, उसमें बिना कुंडली देखे आप बता सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, केवल प्रॉब्लम सुन करके, ठीक है? चलिए, तो आई थिंक इतना काफी हो गया, या एक आध किसी की और ले लें।
मोहिनी बनान, मोहिनी जी सुन पा रही है, कमेंट कीजिए। सॉरी सर, ऐसा है मेरा जो घर है एक्चुअली मैं नोएडा में है, मैं अभी आउट ऑफ दिल्ली हूँ तो कुंडली तो मेरे पास अभी इस टाइम है नहीं, लेकिन जो मेरा घर है ना वो मेरा साउथ ईस्ट में पड़ता है उसका मेन गेट, और मेरे घर से 50 मीटर की दूरी पर ट्रांसफार्मर है। तो ये ये ना कल नेक्स्ट क्लास जो है परसों उसमें देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ये एस्ट्रो वास्तु है, यहाँ पर अभी हम कुंडली से रिलेटेड बात कर रहे हैं, परसों जो मैं लाऊंगा तब मैं आपकी प्रॉब्लम देखूंगा, ठीक है? सर एक बात पूछनी थी, क्या अपनी कुंडली हम खुद या इसे मतलब इंटरनेट पर से निकाल सकते हैं क्या? क्या अपनी कुंडली हम इंटरनेट पर से निकाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, एस्ट्रो सेज ऐप है, वहां से आप निकाल लीजिए। अच्छा ठीक है, और वेबसाइट भी वहां से आप बनाइए कुंडली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दीपिका जी, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, मेरे हस्बैंड की कुंडली में सेवेंथ हाउस में राहु और मंगल है, और फर्स्ट हाउस में शनि और केतु है। तो साउथ वेस्ट जो है आपकी ये दिशा आ रही है ना? टॉयलेट है, बाथरूम है, आप ही खुद बता रही है, मैं जरूरत ही नहीं पड़ी बताने की। मैरिड लाइफ की आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है सर? मैरिड लाइफ तो अच्छी है पर ज्यादा बोलते हैं ना वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ, मतलब वही है ना, अलग अलग रहते हैं, सुख नहीं है ना, इसलिए बची हुई है। हाँ सही में साथ रहते हैं तो जो चलती रहती है। हाँ सही है, मेन तो सुख है ना, सुख नहीं है। हाँ जैसा होना चाहिए है ना। यस सर तो रूल फाइनल हो गया, लग गया रूल? हाँ सर। चलिए ठीक है, अब नया रूल लिखवाता हूँ मैं, उसे लिखिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हैंड डाउन कर लीजिए। अब दूसरे रूल पे चलते हैं कि कैसे पता करें कि आपके घर के पास क्या है, ठीक है? तो सूर्य जो है वो दिखाता है, सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं आपके घर के पास क्या है। तो घर के पास सूर्य कुंडली में जहां बैठा हो वो दिखाता है आपके द्वार को, आपके मेन गेट को, ठीक है? कुंडली के अंदर सूर्य दिखाता है आपके मेन गेट को, सूर्य जहां भी होगा वो दिखाएगा आपके मेन गेट। और अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह आ गया तो वही चीज जो है आपके घर के आसपास होगी। एक सिंपल सा हम ले लेते हैं, गुरु। गुरु किसके कारक हैं? गुरु कारक हैं मंदिर के, स्कूल के, कोई पवित्र पेड़ जैसे हो गया केले का, पीपल का पेड़। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य के साथ गुरु बैठे हैं, ठीक है, तो उनके घर के पास मंदिर, गुरुद्वारा या कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल वो होगा ही होगा, या फिर पीपल का पेड़ या फिर केले का पेड़ होगा। स्कूल भी दिखाता है गुरु, तो स्कूल भी होगा, ठीक है? तो अब जिसकी कुंडली में सूर्य के संग गुरु हैं वो प्लीज अपना हार्ट अपना हाथ ट्रेस करें जिनकी कुंडली में सूर्य और गुरु हैं। कुंडली लेकर के बैठे ना आप लोग? अच्छा भाई, रेडमी नोट 9 प्रो अनम्यूट करें। सर नहीं है, लेकिन मेरे घर के पास माँ दुर्गा का मंदिर है। आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, या फिर गुरु ने सूर्य के ऊपर अपनी दृष्टि डाली हुई है? नहीं आ रही वॉइस, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। दीपिका जी,
सर थर्ड हाउस में है सूर्य और गुरु, हाँ, बाजू में दो मंदिर भी हैं, स्कूल भी है, पीपल का पेड़ भी है। बढ़िया, देखिए केवल एक ही कॉम्बिनेशन से हमने पता कर लिया। हाँ सर, क्या दिमाग नहीं लगाना पड़ा? नहीं, रूल सही है। चलिए, और कोई है जिसके सूर्य और गुरु की युक्ति हो, या फिर गुरु जो है सूर्य को देख रहे होंगे? नहीं है, चलिए ठीक। तो एक दूसरा रूल लिख लेते हैं, अगर सूर्य के साथ राहु हैं, अगर सूर्य के साथ राहु हैं तो ये बन गया ग्रहण दोष, ठीक है। तो घर के पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक पिलर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, कोई गंदा स्थान होगा, या घर के पास कहीं कूड़ा पड़ा रहता होगा। तो वो लोग हाथ उठाएं जिनके पास सूर्य और राहु की युक्ति है, या फिर सूर्य पर राहु की दृष्टि है। अभी लाइव ही मैं आपको बताता हूँ। के रवि जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट कीजिए। के रवि जी अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। जी जी रवि जी बताइए। जी मेरा ना 8th था, सेकंड हाउस में, मेरा ना सन तो फर्स्ट हाउस में है, 6th हाउस ना जुपिटर और वीनस है, सेकंड में राहु है, और 8th में ना सन बुध और सन बुध और देखिए इतना इतना कंफ्यूज मत होइए, है ना, और यहाँ पर अभी एनालिसिस में कर भी नहीं पाऊंगा। सन 8th में सन बताए, सिंपल से मैंने रूल बताया आपको, गुरु के संग राहु, गुरु के संग सूर्य हो या फिर गुरु के संग राहु हो, इन दोनों में से किसी की युक्ति अगर है तो आप बताइए। गुरु के संग राहु और नहीं है सर, सूर्य के साथ गुरु हो या सूर्य के संग राहु हो, इन दोनों में से किसी की युक्ति है तो बताइए आप। सूर्य के साथ केतु है सर। केतु, अगर सूर्य के संग केतु है तो आसपास क्या होगा? टूटी फूटी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, बेकार सामान पड़ा जाता है जो यूज नहीं आता। टूटी फूटी मतलब कैसे सर? बेकार का सामान, बेकार का लोहा, जैसे लोहा होता है ना, खराब लोहा, जंग लगा लोहा, टूटी हुई चीजें, पत्थर टूटा हुआ, टाइलें टूटी हुई, है ना, घर के जो गेट है उस पर टूटी हुई टाइलें हो सकती है, घर के गेट पे फर्श जो है वो टूटा हो सकता है गेट के पास का, है ना सर। वो तो फर्श तो ब्लैक स्टोन तो पीसेस पीसेस में आते हैं, सब तो पीसेस में ही लगाते हैं ना। पीसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टूटा हुआ क्या? टूटा हुआ तो नहीं है सर, गेट के आसपास ना कुछ टूटा हुआ होगा, या फिर तीन चीजें पड़ी होंगी, कोई तीन, तीन की गिनती में। तीन कौन सी सर? तीन चीजें होती हैं, कोई जैसे गमले हैं तो तीन गमले हो गए, दरवाजा है तो तीन दरवाजा हो गए। आउटसाइड ऑफ बाउंड्री? जी जी जी, आउटसाइड ऑफ बाउंड्री जी। तो सर वो तो आउटसाइड ऑफ बाउंड्री दूसरे का रखा हुआ हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो उनको अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं अगर होगा तो? हाँ तो आपको नहीं कर सकते ना, लेकिन आपकी कुंडली तो बताइए ना, ऐसा कुछ ना आसपास मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ना? ये तब क्या करना पड़ेगा सर अगर है तो? ऐसा दूर अगर दूर ऐसा है तो उसे हटवाइए, कोशिश कीजिए हटा दें जी, रिक्वेस्ट कीजिए हटवाइए, अगर नहीं हटवाते हैं, बेकार का सामान है तो आप फेंकवा दीजिए। अच्छा अच्छा, तो आप ही कर रहे हैं ना जी। चलिए धन्यवाद। थैंक पंडित अंकित दीक्षित जी, पंडित अंकित दीक्षित जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। अष्टम भाव में सूर्य राहु शनि बुध,
अच्छा, ये चारों की युति है, सूर्य के संग मिल गया राहु, तो घर के आसपास आपके क्या मिलेगा, ट्रांसफार्मर मिलेगा, इलेक्ट्रिक पिलर मिलेगा, कोई खराब जो है कबाड़ पड़ा हुआ होगा। अभी न्यू प्लॉट बनवाया तो इलेक्ट्रिक पिलर ही लगा है। एक बढ़िया टैली हो गया रूम जी, कुछ ज्यादा तो मैंने इसमें गणित नहीं बढ़ाया, कुछ छोटे छोटे ऐसी कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि आपके बता देते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो सर जी, इंदु जी बताइए, बालाजी कैसे हैं आप? यस सर, ट्वेल्थ हाउस में सूर्य और राहु हैं। और सर घर के पास, घर के बिल्कुल ही बाहर निकल के हमारे लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक पोल भी है बहुत सालों से, और घर के इधर छोड़ के खाली प्लॉट है, उससे बहुत गंद भरा रहता है, सभी लोग वहाँ पे गंद कूड़ा करते हैं। तो टैली हो गया, यस ठीक हो गया रूल, ठीक है। तो अब एक नया रूल और बताता हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी चलेंगे। अब हम देखेंगे घर के अंदर आपका पैसा कहाँ रखा हुआ है, कुंडली के द्वारा पैसा ज्वेलरी आपने घर के अंदर कौन सी दिशा में रखी हुई है। ठीक है, तो ज्वेलरी और पैसा देखते हैं हम किससे, शुक्र से। सिंपल सा रूल, शुक्र आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो उसकी दिशा देखेंगे, प्लस शुक्र के जो हाउसेज हैं उनकी दिशा देखेंगे, वहां पर आपको आपका पैसा मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी। ठीक है, तो एक आध किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि हैंड डाउन कर लीजिए, दोबारा से मैं करवाता हूं। ठीक, धन्यवाद। तो दोबारा से हैंड आप रेज कीजिए, जिसकी कुंडली में शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं, उनकी मैं कुंडली लेने वाला हूं। सौरभ जी अनम्यूट कीजिएगा। सौरभ जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा नहीं है, सुमन अरोरा जी अनम्यूट कीजिए। सर मेरा ट्वेल्थ हाउस में है वीनस ना, वीनस है ट्वेल्थ हाउस में, यानी कि आपके घर के साउथ ईस्ट में जो है आपका पैसा होना चाहिए या फिर ज्वेलरी होनी चाहिए। नहीं सर, साउथ ईस्ट में नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट में मेरा डाइनिंग एरिया आ रहा है सर। ठीक है, तो इसकी राशि कहाँ आ रही है, शुक्र की? एक मिनट बता रही हूँ सर मैं। It's 10 o'clock. लगन कौन सी है? सर लगन मेरा 9 नंबर है ना, मेरा सर आ रहा है एक तो 11th हाउस में है और 6th हाउस में। एक मिनट रुकिए, हाँ लगन बताइए, लगन कौन सी है आपकी? सर लगन 9 नंबर से है और मेरी शुक्र की राशि आ रही 6th और 11th हाउस में सर। 6th और 11th हाउस में, डेट मींस नॉर्थ में या फिर वेस्ट में, यहाँ पर आपका पैसा हो सकता है। हाँ वेस्ट में काउंट कर सकती हूँ मैं सर उसको, हैं वेस्ट में काउंट कर सकती हूँ। ठीक, बढ़िया। शुक्र जहाँ बैठा है वहां पर, या शुक्र की राशि जहां पर है वहां पर, वो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, लग गया रूल? हाँ, थैंक यू सर, ठीक, धन्यवाद। विशाल, विशाल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए कहाँ बैठा है शुक्र आपका? सर मेरा शुक्र बैठा है वो 3 में। 3 नहीं, हाउस कौन सा है वो? हाउस नंबर 3 में बैठा हुआ है सर। हाउस नंबर 3 में, लगन कौन सी आपकी? लगन 1 है। लगन 1 है, यस सर। पता है ना लगन कौन सी होती है? हाँ जी सर। ठीक है, लगन में चंद्रमा है, केतु है। नहीं नहीं, इतना नहीं पता करना है ना। अच्छा, चंद्रमा केतु है आपके लगन में। हाँ जी सर। आपका जो ईस्ट है वहां पर
दरारें आ रही होंगी, ठीक है, कोई तीन चीजें होंगी, ईस्ट खराब है, आपका जो है फेम है वो आपको नहीं मिल पा रही होगी। नहीं सर, मैं तो नहीं रही मेरे को, मैं तरक्की चाहता हूँ, तरक्की मिलती है। थोड़ा सा लखना कम काम करता है। चलिए कोई बात नहीं, ये बात का मैटर है। पहले हम आते हैं शुक्र पे, शुक्र बैठा है थर्ड हाउस में, जैसा आपका साउथ का, तो आपके साउथ हो सकता है ना, या फिर हो सकता है कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में। हाँ साउथ वेस्ट में सर, साउथ वेस्ट में तो बाथरूम वगैरह है, टॉयलेट वगैरह। अरे पैसा, अरे बाथरूम बाथरूम नहीं, पैसा और ज्वेलरी कहाँ रखी है घर में, लॉकर कहाँ है सर? पैसा ज्वेलरी तो नॉर्थ में रखी हुई है। तो नॉर्थ आ रहा था ना? हाँ। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। हाँ जी। मनी और अच्छा ठीक है, इसकी तरफ भी हो सकता है, ठीक कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे तब थोड़ा सा और क्लियर चीजें होंगी इसकी, ठीक है। चलिए दूसरा हम ले लेते हैं, किसे, अंजू जी को। जी सर, मेरा फोर्थ हाउस में है सर। कहाँ पर है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसका है? नॉर्थ ईस्ट का। ओके, तो वहां पर रखा हुआ है क्या? नहीं सर, वहां पे तो किचन है मेरा। अच्छा, तो इसकी देखें कौन सी राशियां, यानी कि लगन कौन सा है आपका? मेरा मेष लगन, फर्स्ट राशि है लगन में। फर्स्ट राशि है, तो आपकी जो शुक्र की राशि आ रही है वो आ रही है सेकंड नंबर, सेकंड हाउस में और सेवेंथ हाउस में, यानी कि नॉर्थ या फिर साउथ वेस्ट में। यहाँ पर पैसा है या ज्वेलरी? साउथ वेस्ट के रूम में रखती हूँ सर। हाँ तो वह आ गया ना जी, ठीक, रूल टैली हो गया। अगर इनकम टैक्स वालों को दे दिया जाए बेचारों ने, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो तीन दिशाएं ढूंढ कर निकाल लेंगे, बोले कहाँ है पैसा, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पैसा देख लिया हमने, और पैसा और बता देता हूँ मैं आपको, लिख लीजिए, अगर मंगल मंगल राहु की युक्ति हो कुंडली में, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु की युक्ति है तो मंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है किसे, किचन को, तो आपके किचन में वास्तु दोष है ही है, वास्तु दोष आपको मिलेगा ही मिलेगा, मंगल के संग राहु या मंगल के संग केतु हो या मंगल के संग शनि हो, अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बैठे हैं तो किचन से रिलेटेड आपको वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर सूर्य के संग चंद्रमा हो, अगर सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो पानी से रिलेटेड आपको, पानी से रिलेटेड वास्तु दोष आपके घर में मिलेगा ही मिलेगा, पानी गलत दिशा में हो सकता है, या फिर आपके घर में पानी रुकता नहीं होगा, जल्दी खराब हो जाता होगा, या फिर पानी से रिलेटेड और भी कोई दोष हो सकता है, ठीक है। एक मंगल का और बता दे रहा हूँ, चार आठ, अगर मंगल चौथे या आठवें खाने में है तो डेट मीन्स चौथे और आठवें खाने में, इसका मतलब आपका जो किचन है वो गलत जगह बनाया हुआ है और वो आपको बीमारियां दे रहा है, तो उसकी रेमेडी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक अपवाद भी है, मैं बता देता हूँ, अगर इन योगों के बीच में कहीं केतु की दृष्टि पड़ गई तो वो योग कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर जो योग मैंने बताए उनके बीच में अगर कहीं केतु की दृष्टि पड़ गई या केतु ने वहां पर बैठ गया या केतु ने देख लिया तो वो योग कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने काफी कुछ आपको बताया, अब जो पढ़ेंगे हम आगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, मैं जल्दी से क्वेरी ले लेता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने हैंड डाउन कर लीजिए, और अब जो है कोई भी क्वेरी है मैं आपको वो ले लेता हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, प्लीज पर्सनल कुंडली मत दिखाइएगा, है ना, इन योगों के बारे में कुछ जानना है जो आज मैंने पढ़ाया उसके बारे में कुछ जानना है तो आप
जान सकते हैं। सबसे पहले सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, फिर दोबारा से जो है हैंड अप की देगा। अभी रुक जाइए, मैं कहूँ ना तब हैंड अप कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा क्योंकि अभी मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ। एक बार सभी के हैंड डाउन हो जाए फिर आप, हाँ जी आप कीजिए। किस किस की क्वेरी है, मैं एक करके सबकी क्वेरी ले लेता हूँ। हाँ साथ में मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताया, अगर आप डिटेल में और विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं तो इसका हमारा कोर्स जो है वो 5 दिन का कोर्स है, 15 अप्रैल से स्टार्ट है, रात को टाइमिंग है 9 बजे का और वो चलने वाला है 10:30 बजे। इसमें क्या सीखेंगे हम, एस्ट्रो वास्तु कुंडली, उसके हाउस सिग्निफिकेशन, प्लैनेट इन कुंडली के अंदर, घर के आसपास क्या चीज़ है वो देखें। अभी तो मैंने छोटे छोटे रूल बताए, कुछ और भी रूल हैं जिससे आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि घर के आसपास नाई है, कि घर के आसपास होटल है, कोई रेस्टोरेंट है ना, घर के पास पुलिस स्टेशन है या क्या है, तो ये सब आप इससे कुंडली से पता कर सकते हैं। कुंडली देखने की टेक्निक हम बताने वाले हैं, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से टेक्निक बताने वाले हैं, राहु केतु का इफेक्ट बताने वाले हैं, एस्ट्रो वास्तु के बेनिफिट बताने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात जब दशा चेंज होती है तो उस समय आपने कौन सी चीज कौन सी दिशा में रखी है जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही है ना, या फिर गोचर के हिसाब से हम देखने वाले हैं, गोचर के हिसाब से हम देखने वाले हैं कि आपने कौन सी चीज कहां पर अचानक से रख दी जो आपको एकदम से परेशानी शुरू हो गई। ठीक है, यहां पर हम डिटेल में इस बात को जानेंगे, और स्पेशल जो अटेंशन रहेगा मेरा वो रहेगा कंथनी विचार पे, यानी कि आप कौन से शहर में जाएं, कौन से शहर में आप सेटल हो जहां पर आपको बेनिफिट हो। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं उनका नुकसान स्टार्ट हो जाता है, वो शहर उन्हें पलता नहीं है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, लोग विदेश चले जाते हैं लेकिन उनकी प्रोग्रेस वहां पर नहीं होती है, तो यहां पर हम जानेंगे हम कौन से शहर में जाएं जो कि हमें फेवरेबल हो, वहां पर हमारी प्रोग्रेस हो। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं अगर आपकी लव में या मैरिज में या अफेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व होगी, अगर आप हाउस लेना चाहते हैं या फॉरेन ट्रिप लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा वास्तु जो है सही करना चाहिए, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं तो हमें कहाँ पर सही करना चाहिए, कौन सी दिशा सही करनी चाहिए, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपका लोन ले रखा है वो आपका नहीं उतर रहा तो कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है, क्या करें तो सॉल्व हो जाएगा, प्रोफेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हम करने वाले हैं, एजुकेशन आपने बहुत सारे देखा होगा बच्चे अक्सर पढ़ते नहीं है और उठ के भागते हैं, तो कौन सी दिशा प्रॉब्लम है जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं, प्रेम कैसे मिलेगी वो भी देखने वाले हैं, बीमारियां लंबी बीमारियां नहीं जा रही हैं क्या करें, एक सिंपल सा रूल है अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है तो आपके घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट बाथरूम है वो अगर वहां पर शीट लगी है तो वो आपको कैंसर देगा ही देगा। ठीक है, तो उसकी भी हम रेमेडी जानेंगे। इसके अलावा लव अफेयर वगैरह, लेडिकेशन, एबॉर्शन वगैरह, बच्चे नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं निकालेंगे एस्ट्रो वास्तु से। ट्रेडिशनल वास्तु, हमने सब कुछ वास्तु पूरा कर लिया लेकिन कुछ ट्रेडिशनल वास्तु भी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है तो वो भी कुंडली से पता नहीं लगती, वो आप वहां घर पे जाकोगे तभी आपको पता लगेगी, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। आपके एंट्री पॉइंट बताने वाला हूँ, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, उसकी क्या रेमेडी की जाए, बेड एंट्रेंस जैसे कि बताया अच्छे बुरे, टॉयलेट को कैसे ठीक करें, रेमेडी कैसे करें उसकी वो बताने वाला हूँ, और कलर थेरेपी महावास्तु के हिसाब से वो भी आपको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, जो भी पीपीटी वगैरह है जिससे पढ़ाऊंगा वो दूंगा, लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 5 दिन की, कुछ ई बुक्स दूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए जिससे आपका ज्ञान जो है और भी ज्यादा बढ़े, जितना मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ाई लेकिन उसके अलावा भी आपका ज्ञान जो हो, और ई सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। कब से कोर्स स्टार्ट है, 15 अप्रैल से स्टार्ट है, टाइमिंग क्या है, यही टाइमिंग है 9 बजे से और 10:30 तक
और बाकी जितनी क्लास चलती है वो चलती रहेगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 5000 रुपये का, लेकिन आप अगर आज 12 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 2499 का। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7535899 पे संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन के लिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेटीएम, गूगल पे और जीपे पे, फोन पे का ये नंबर है, क्यूआर कोड यहाँ पर है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए, पेमेंट के लिए आसानी होगी। और मैं ले चलता हूँ आपके ऊपर आपके क्वेश्चनों के थ्रू। अमित मल्होत्रा जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर डिग्री वाइज दो ग्रह काफी दूर हो, मतलब कोई एक डिग्री का हो तो 25 डिग्री का हो, तो उस ग्रह की युति को माना जाएगा? देखिए अगर 3 डिग्री से कम का कोई ग्रह है तो उससे पहले हाउस में उसे काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चलित भी देख सकते हैं, चलित कुंडली भी यहाँ पर देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम हाउस को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट वहां पर कम हो जाता है। अगर चलित कुंडली में दोनों अगर हाउस दोनों ग्रह अलग अलग हाउस में हो गए तो उसकी युक्ति हम नहीं मानते। ठीक है थैंक यू सर, धन्यवाद। दीपिका जी। सर जैसे आपने बताया कि केतु की दृष्टि अगर राहु पे है, मतलब मंगल राहु पे, तो उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, मतलब केतु फर्स्ट हाउस में है और राहु सेवंथ हाउस में है, तो क्या वो इफेक्ट कम हो जाएगी? देखिए राहु केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं, हाँ, तो इसके इफेक्ट को नहीं मानते। अगर केतु की दृष्टि हाँ कहीं और पड़ रही है किसी और ग्रह पर, तो वो दृष्टि हम काउंट करते हैं। ओके, राहु केतु का तो रूल है हमेशा आमने सामने ही होंगे और बकरी चलेंगे। हाँ लेकिन साथ में मंगल भी है ना सर, सेवंथ हाउस में फर्स्ट में केतु है तो। हाँ तो राहु मंगल के जो है कौन से हाउस में बैठ रही है कॉम्बिनेशन? फर्स्ट में केतु है, सेवंथ में राहु और मंगल है। राहु मंगल सेवंथ हाउस में, तो आपके साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वहां पर प्रॉब्लम मिलेगी आपको। मिलेगी? ओके है सर, है ना, साउथ वेस्ट में तो प्रॉब्लम है ही है। हाँ तो आपकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर क्या बताता है, सेवंथ हाउस दिखाता है मैरिड को, मैरिड लाइफ पे, ठीक है, मैरिड को, तो वो भी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। लेकिन आपने जैसे बताया ना कि केतु की दृष्टि अगर पड़ती है तो थोड़ा इफेक्ट कम। हाँ तो यहाँ पर ना ये छोटा सा रूल और लिख लीजिए, जब आमने सामने की दृष्टि पड़े तब वो असर नहीं करती है। ओके 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 सर, ठीक है, क्योंकि वो तो रूल है ही ना कि आमने सामने हमेशा होंगे, तो उसे नहीं लेते हैं। नहीं राहु और केतु नहीं, पर साथ में अगर साथ केतु की दृष्टि मंगल पे हो तो उसका कम हो सकता है, जैसे किचन अगर में अगर मंगल कहीं और बैठा होता, ठीक है, तो हम उसे लेते। ओके सर, ओके थैंक यू, ठीक, धन्यवाद। हाँ जी सुमन अरोरा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर सर, जैसे अभी आप मैडम बोल रही थी, तो मेरे भी जैसे केतु सेकंड हाउस में बैठा है और एट हाउस में मंगल और राहु है, तो दोनों कैंसिल हो गया ना पीए योग सर? नहीं नहीं, मैं वही समझा रहा था, अगर आमने सामने राहु केतु होते ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी ये रूल नहीं लगाते, केतु अगर कहीं और देख रहा होता। केतु की और कौन कौन सी दृष्टि है? 3, 7, 10 सर। कितनी? 3, 7, 10 5, 7, 9 पांचवी दृष्टि मानेंगे और नवी दृष्टि मानेंगे, ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, क्या दोबारा अनम्यूट कीजिए। इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या है आपके कोर्स का? यहाँ पर जो ले रहे हैं हम वो कोर्स है 5000 का, लेकिन आप अगर रात तक 12 बजे तक करती हैं तो ये पड़ेगा 2499 रुपये। और कितने दिन का रहेगा सर, टाइमिंग क्या रहेंगे? 5 दिन का रहेगा और 9 बजे से क्लासेस हैं रात को। और ओके 5 दिन का कोर्स रहेगा जी, अगर ये कवर नहीं होता है तो हम आगे भी से ले लेंगे। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। स्वर्णा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। शनि और केतु फोर्थ हाउस में हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? शनि और केतु फोर्थ हाउस होती है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। अच्छा, तो
तो वहां पर आपके नॉर्थ ईस्ट में ये वास्तु दोष दे रहा होगा। वहां पे आपको शनि से रिलेटेड चीजें मिलेंगी और केतु से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। रिलेटेड क्या है? जूते, चप्पल, लोहा, लक्कड़, है ना जी सर। और या फिर मिलेगा आपको केतु से रिलेटेड चीजें, टूटी हुई चीजें जैसे दरारें, कोई तीन चीजें ये मिलेंगी आपको केतु से रिलेटेड। ठीक है जी सर। एक और क्वेश्चन था सर। हाँ, मान लीजिए घर में अगर वास्तु दोष हो तो इन करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए मैं ना स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो की थी मैंने एस्ट्रोलॉजी से जी सर। ठीक है, अब मैं रेमेडी बता रहा हूँ लोगों को, रेमेडी वो लोग कर रहे हैं लेकिन उनपे असर नहीं पड़ रहा। तो फिर मैं थोड़ा सा और डीपली गया, तब मुझे पता लगा कि वास्तु शास्त्र जो है सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है जहां पर आदमी रहता है, नहीं रहता है 24 घंटे घर में, ठीक है, या फिर आधा दिन आधी रात जो निकाल पूरी रात जो निकालता है वो निकालता है घर में। तो वस्तुओं की जितनी भी एनर्जी है, हर वस्तु की अपनी खुद की एनर्जी होती है, तो सबसे पहले इफेक्ट डालती है वो उस व्यक्ति के ऊपर। वास्तु अगर ठीक कर लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जी सर। वास्तु ठीक करने के बाद कोई रेमेडी कर रहे हैं वैदिक की तो वो बहुत ज्यादा असर करती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप कैरियर ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, वो आपके घर में मिलेगी ही मिलेगी। तो सर रेंट के घर में रह रहे हैं तो भी? तब भी मिलेगी क्योंकि उसकी एनर्जी तो इफेक्ट कर रही है ना आपको। तो रेंट वाला इम्पैक्ट करेगा या फिर अपना जो घर है वो इम्पैक्ट करेगा? देखिए बात को समझिए, आप जहां भी रह रही है जैसे आपके ऊपर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो ये रेंट के घर में भी है और आपके अपने घर में बल्ब है, इसकी रोशनी चल रही है ना। इसी तरह से जो भी वस्तु आपके आसपास है उसकी सबकी एनर्जी होती है, आप कहीं भी रहिए वो एनर्जी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी सर। तो दोस्त हम हर जगह देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद। सौरभ जी नमस्कार सर। नमस्कार। और आप जैसे वो बता रहे थे कि वीनस वाला, तो वीनस अगर जैसे सिक्स हाउस में हो तो किधर मिलेगा? वीनस सिक्स हाउस में, अकेला वीनस थोड़ी मिलेगा, मैंने वीनस बताया था। नहीं, सिक्स हाउस में वीनस धन का जो बताया था, धन का घर का जो मिलेगा सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस होती है कौन सी? नॉर्थ, नॉर्थ में मिलेगा। नॉर्थ, ओके। अच्छा ओके। और वो अगर सात नंबर में, अच्छा दो नंबर कहाँ होगा वो देखना पड़ेगा, नॉर्थ में नहीं है एक्चुअली मेरा। तो उसकी राशियां, लगन कौन सी आपकी? मेरी लगन ऋषभ, सेकंड। सेकंड है, तो एक तो हो गई आपकी लगन में, ठीक है, एक मिल आपकी सिक्स में, तो सिक्स तो वही आ गया नॉर्थ या फिर ईस्ट में, ये दो दिशाएं आ रही है। ईस्ट में, राइट, ठीक है, है ना। अच्छा सर एक बात बताएं, जैसे ये टोटल कोर्स मुझे मुझे तो नहीं उम्मीद की 5 डेज में हो जाएगा, 6-7 डेज लगेंगे इसको, कोई ऐसा भी कोई दिन के टाइमिंग? आराम से खींचेंगे, आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई और बैच भी है सर दिन के टाइम का? नहीं अभी कोई बैच नहीं है, अभी कोई बैच नहीं है। तो मैं ग्रुप में तो हूँ आपके, अगर कोई ऐसा बैच आता है तो जरूर। अभी ना परसों की ज्वाइन करना, उसमें मैं सिखाने वाला हूँ बिना कुंडली के वास्तु दोष कैसे पकड़े। ओके। केवल हवा में आप प्रॉब्लम सुन के, आप उनकी प्रॉब्लम सुन के आप अलग सा लगा सकते हो कि कहां पर वास्तु दोष। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। परसों ही सेम टाइम? जी परसों। लिंक भी सेम रहेगा? जी टाइमिंग सेम रहेगा। अच्छा चलो सर, मैं ये जरूर करना चाहूंगा जी। वो पर्सनल तो सीम है उसकी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं डालूंगा। नहीं सर जरूर डालूंगा, एक्चुअली मैंने भी मतलब एक फर्स्ट टीचर है मेरे, वो आज मुझे यहाँ ग्रुप में भी दिखे, उनसे मैंने वास्तु भी सीखा हुआ है। अच्छा ठीक है, उनसे वास्तु सीखा हुआ, बट एलिमेंटल मतलब वो ये एस्ट्रो वास्तु नहीं सीखा हुआ। हाँ। और मैंने भी ही मतलब 2-3 महीने ही हुए सीखे हुए मैम से ना, अभी मैं जस्ट मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले सिखाया था सबकी जय जयकार करनी है, तो आपकी अच्छा। भी जय जयकार है, हमारे भी है, सबकी जय जयकार है, प्रभु 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 की जय जयकार है ना। नहीं सबकी सबकी जय जयकार जी, जी 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 बिल्कुल। और हमारी मैम की भी जय जयकार है, वो इस अभी हैं इसमें दिखे हैं मुझे, मैंने इसलिए अच्छा। बोला। अच्छा, सभी की जय जयकार, धन्यवाद।
अंजू जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, अभी आपने सर जैसे बोला कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होगा या टॉयलेट होगा तो उस घर में कैंसर हो सकता है जी। तो सर मैं जहाँ पे रेंट पे रह रही थी 3 साल के लिए, तो वहां पे नॉर्थ में टॉयलेट था और वो हम यूज भी करते थे, और एक टॉयलेट था नॉर्थ में, मतलब दोनों कनेक्टेड ही थे, एक नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था एक नॉर्थ में आ रहा था। फिर हमने वो घर शिफ्ट कर लिया, अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे नॉर्थ में किचन है, तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी जो आपने बताया? सर मैंने अभी बताया, आप जहाँ रहते हो आपके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होता है वो इफेक्ट डालता है आपके ऊपर। ओके ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पर अपने कमरे में बैठे हो, यहाँ पर पंखा चल रहा है जी, है ना, तो हवा आपके पास आ रही है यानी कि पंखा आप पे इफेक्ट कर रहा है। अगर आप बगल वाले किसी और घर में चले जाते हो, वहां पर पंखा नहीं है तो आपके पास हवा नहीं आएगी, यानी इसकी एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से जहां पर आप हो, अगर वहां पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तब तो प्रॉब्लम आपके पास रहेगी, और अगर वहां पर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मतलब सर 3 साल हम लोग वहां रहे तो बॉडी में कोई ऐसा, वो बोलते है ना, तो वो आया तो नहीं होगा ना वो प्रॉब्लम जैसे आपने बोला। ये तो फिर आपको चेक करवा के ही पता लगेगा ना। ओके तो चेक करवा के पता लगेगा, कुछ नहीं कह सकते। अगर लंबे टाइम तक आप वहां रहे हैं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। और सर ये नॉर्थ में जो किचन है वो भी यही प्रॉब्लम देता है? नॉर्थ का किचन भी यही प्रॉब्लम देता है। ये ना नॉर्थ के बारे में परसों बड़े आराम से जानेंगे, इत्मीनान से, काफी सारी प्रॉब्लम ये नॉर्थ में देता है। ओके और सर ये आपके कोर्स के बारे में पूछना था कि इसमें आप रेमेडी भी देंगे, उपाय भी बताएंगे हमको? जी जी बिल्कुल रेमेडी देंगे। ओके और सर ये फिफ्थ हाउस में शनि और राहु होता है तो भी प्रॉब्लम होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, जहां भी दो शत्रु ग्रह बैठ गए वहां पर प्रॉब्लम होगी। ओके तो सर उसमें मतलब कौन से एरिया में दिखता है प्रॉब्लम? फिफ्थ हाउस जो आपका ईस्टर्न वॉल है, ईस्ट की तरफ आपको प्रॉब्लम मिलेगी। ईस्ट में? जी ओके, ईस्ट में तो सर गेट है मेरा बस, और थोड़ा सा पार्ट है ड्राइंग रूम का। हाँ तो वहां पर कुछ लोहे का सामान होगा या फिर जूते चप्पल कवाड़ रखा होगा। हाँ शूरेक है सर वहाँ पे। हाँ तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम कर रहा होगा। अच्छा मतलब वो वहां से रिमूव कर देना। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, उनका मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई में, उनका वैसे ही मन नहीं लग रहा होगा, ग्रोथ नहीं हो रही होगी उनकी। जी सर दोनों ही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो ये सब वास्तु की वजह से है, मतलब ये शूज वगैरह रिमूव कर देने से हो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बल्कि शनि की और भी चीजें मिलेंगी वहां पे। अच्छा और सर वही है कि गुस्सेल भी बहुत ज्यादा है, दो बच्चे दोनों पूरा टाइम लड़ते हैं, तो इसका मतलब साउथ में भी आपकी दिक्कत है। साउथ में? हाँ, बेडरूम है सर वहाँ पे जहाँ पे बच्चा सो रहा है। कोई बात नहीं, परसों का टॉपिक है, परसों लेके चलते हैं, है ना? जी सर मैं आपका कोर्स भी लूंगी। है जी सर आपने कब से बोला स्टार्ट हो? स्वागत, ये स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, 15 अप्रैल। ओके थैंक यू। ठीक धन्यवाद। लता राजू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बताइए। सर मुझे, मेरे पास जी पे नहीं है, मुझे बैंक से रेजर पे या कुछ कर सकती हूँ? क्या नहीं है? I don't have Google Pay or GPay. अच्छा अकाउंट में दे, अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ उसका वो लिंक चाहिए होगा सर मुझे। दे दूंगा मैं आपको। तो और मेरी और एक मेरी कुंडली में केतु और सैटर्न सेकंड हाउस में बैठे हैं। नॉर्थ वेस्ट। हाँ तो हमारे सब मनी इश्यूज, तो आई हैव अ टॉयलेट दिस मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी आप। हाँ सो व्हाट कैन आई डू अबाउट द टॉयलेट, आई कांट मूव इट। क्या कह रही है समझ नहीं आया। मेरा वहां पे एक टॉयलेट है तो मैं उसे मूव नहीं कर सकती। हाँ तो उसकी रेमेडी करिए ना, बिना तोड़फोड़ के रेमेडी कैसे करेंगे वो बताएंगे कोर्स में। ठीक है सर ओके। एंड मेरा सूर्य और मरकरी इज इन द 6th हाउस। सूर्य और मरकरी? यस सर। 6th हाउस में? 6th हाउस में है। हाँ तो सूर्य से मरकरी से रिलेटेड आपको 6th हाउस में मिलेंगी। 6th हाउस होता है नॉर्थ का। ओके सो कुछ दिक्कत है यहां पे मेरे लिए? ये ना देखनी पड़ेगी कौन सी राशि में बैठे हुए, क्योंकि ये योग बनाते हैं सूर्य और मरकरी। ओके एंड देन जाकर के इसकी देखनी पड़ेगी, लेकिन आप जो है वो कुछ
आपके गेट का जो है सूर्य दिखते हैं गेट को, गेट yes, sir. कुछ हरी चीजें या फिर कुछ सजावट की चीजें हो सकती हैं, कुछ पेड़ पौधे हो सकते हैं, ग्रीनरी हो सकती है. Okay, so I need to remove it out. हाँ, कुछ है वहाँ पर गेट के पास. हाँ सर, बहुत सारे पौधे रखे हुए. हाँ, तो ये हमने पता किया कैसे सन लेकिन वो मम्मी रखी हुई, मम्मी को बोलेंगे निकालो तो झगड़ा हो जाएगा. कोई बात नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ अच्छा है कि बुरा है वहाँ पर, ये तुम देखेंगे ना, ये तुमने पता किया कि ये चीज है. ओके okay. और मेरे डिटेल में जाकर भी थोड़ा सा देखेंगे. फर्स्ट हाउस में सूर्य केतु और वीनस बैठा है हस्बैंड के कुंडली में. सूर्य केतु और वीनस इन द फर्स्ट हाउस. उनका ना दिमाग थोड़ा सा भ्रमित रहता होगा, गुस्सा उन्हें थोड़ा सा ज्यादा आता होगा, ईगो प्रॉब्लम होगी. ओके okay. वहां पर जो है ईस्ट में जो है केतु से रिलेटेड चीजें मिलेंगी आपको, सूर्य से रिलेटेड चीजें मिलेंगी. ओके okay. गेट के पास कुछ टूटा फूटा हो सकता है. ओके okay. गेट की हो सकता है बाउंड्री या फिर कुछ वही टूटा हो उसका. ओके okay. जो सीमेंटेड वगैरह होता है ना. ओके okay. हाँ, वहां पर ये प्रॉब्लम मिलेगी. ठीक है सर, सो काइंडली सेंड द लिंक सो आई कैन पे मेक द पेमेंट. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. मैसेज कर दूंगा, भेज दूंगा आपके पास. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद. चंदन दास जी. हाँ सर, आपसे हाँ नमस्कार सर. पहले भी आपसे बात हो रही थी, मेरा एक ही कॉन्फ्यूजन है एक्चुअली. है हम लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, है मान लीजिए एक टावर में बहुत सारी फ्लैट होता है एक टावर में, तो मेरा बिल्डिंग में ये जो छाद है सब एक है, ठीक है, रूप जो है एक है, लेकिन पिताजी का घर गेट उसका अलग है, मेरा रूम का गेट अलग है, ठीक है, दोनों ही अलग रसोई है. इसी हिसाब से अगर ग्रिड जब करे तो मैं पिताजी का एक ही लड़का हूँ. हाँ, तो ग्रिड जब करे तो पूरा घर लेके ग्रिड करे ना, मैं जोन से एरिया में हम यूज करते उसका ग्रिड करे. देखिए, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है फादर का और आपका एक साथ की प्रॉब्लम आती है, तो हम चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पिताजी के घर से अटैच है कि नहीं है, वहां से उसका कनेक्शन है या नहीं है. ठीक है, अगर आपकी कोई वस्तु फोटो या फिर कोई वस्तु सॉलिड सी वो अगर आपके पिताजी के घर में रखी है तो वहां की वास्तु प्रॉब्लम भी आपको प्रॉब्लम करेगी. एक्चुअली हम लोग अलग खाते हैं, ठीक, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम कुछ खाना वगैरह बाहर से लेके आते मम्मी पापा को देते हैं, हाँ, मेरा रसोई में कुछ खत्म भी हो जाता है तो पिताजी आके भी दे देते. ऐसे हम लोगों का थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा अलग हुआ, वेज और नॉन वेज के लिए दोनों रसोई है तो इसीलिए, लेकिन हम लोगों का बीच में कोई अंतर नहीं है. मम्मी कुछ खाना बना रहे, मेरे बीबी को भी दे रहे, मेरे बेटा को भी दे रहे, हाँ हमको तो छोड़ ही दीजिए. हाँ, तो इसी हिसाब से हम बहुत कंफ्यूजन में है जी, दोनों का जो बिल्डिंग, दोनों का जो अलग पोर्शन है उसका ड्रॉइंग एक साथ करूँ ना अलग अलग करूँ. दोनों बिल्डिंग का ड्राइंग तो अलग अलग हो ना, दो अलग अलग घर हैं ना, एक ही रूप के नीचे है, छात सबका एक ही है, तो मतलब एक घर के आपने दो पार्टीशन किए हुए हैं. हाँ, मैंने एक्चुअली है हमारा जो है, मेरा एक रूम है, डाइनिंग है, किचन है, टॉयलेट है, वो अलग है. पिताजी का किचन है, टॉयलेट है, वो अलग है. बीच में बाउंड्री आपके और के बीच में बाउंड्री है क्या, जहाँ वो रहते हैं? हाँ, सबका अलग अलग है पिताजी. मेरा बाउंड्री है ना, अलग अलग दीवार खिंच रही है ना बीच में. हाँ, दोनों के गेट अलग है. हाँ, तो दोनों की अलग अलग बनेगी. ओके, है ना. और अगर पिताजी घर में आपका कोई सामान रखा है या कोई फोटो रखा है तो वो इफेक्ट कर, आपकी एनर्जी जुड़ी हुई वहां से, तो वो भी इफेक्ट करेगा आपको, तब उसका दोनों का एक ही ग्रिड बनाना होगा. दोनों के अलग अलग ग्रिड बनेंगे, उसे कंबाइन करके देखना पड़ेगा. ओके, तो किसका क्या रिजल्ट आ रहा है जी? हाँ, दोनों का एक साथ करके भी देखना होगा, अलग करके भी देखना होगा कौन सी क्या रिजल्ट आ रहा है. जी, पहले दोनों का अलग अलग बनेगा, फिर दोनों को कंबाइन देखना पड़ेगा. अगर आपकी कोई चीज आपके पिताजी के घर में तब, और आपका पिताजी का कोई वहां पर आपका कोई सामान या आपकी फोटो नहीं है, तो केवल आप ही का ग्रिड, आपके घर का ग्रिड हम देखेंगे. ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद.
संतोष जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ हाँ जी सर बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक क्वेश्चन था छोटा सा, फर्स्ट हाउस में मेष लग्न की कुंडली। आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। हेलो अब आवाज आई? जी जी आ रही है बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन, मेष लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में शुक्र राहु के साथ है और सेवेंथ हाउस में केतु के साथ शनि है, कर्ज की समस्या है, परेशान। कर्ज की समस्या है? हाँ ठीक है। ये टॉपिक किस तरफ, ये वाला टॉपिक ना बैठ कर, ये टॉपिक ना नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है परसों, तो परसों खेल में इस बारे में पता लगेगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर क्लास अटेंड। आप खुद ही बताओगे मुझे कि क्यों? बिल्कुल बिल्कुल है ना। ठीक है तो इस टॉपिक के लिए हम परसों तक छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटा सा क्वेश्चन और था, मुझे मनी है ना, मनी मुझे किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? बस मनी से रिलेटेड आपने एक चीज बोली थी अभी शायद है ना, कुछ लोगों को बताया था मनी किस डायरेक्शन में आपको रखनी चाहिए। हाँ या किस डायरेक्शन में रखी है? हाँ 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 ये कुछ है, जहां पर आपका शुक्र है वहां पर आपकी मनी रखी है, या पे जहां शुक्र की राशियां हैं वहां पर आपकी मनी रखी है। ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी सर? शुक्र कहाँ बैठा है आपके, कौन से हाउस में बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस में है, राहु के फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस होता है ईस्ट का, तो ईस्ट में आपकी मनी रखी होगी। ठीक है मेरी 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 ईस्ट में है। हाँ रखी है ना जी। हाँ तो टैली हो गया ना? जी 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 ठीक ठीक है। ओके धन्यवाद। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। अर्चना जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मैंने ना ये पूछना था, मेरे आठवें घर में लियो राशि है और जो सन है वो नाइन्थ हाउस में है, तो हमारा जो ब्रह्म स्थान है वो तो पूरा फटा हुआ है और हमने उसको बहुत बार रिपेयर करवाया तो, लेकिन वो बार बार ही फट जाता है जी, तो इसका क्या सलूशन हो सकता है? नाइन्थ में क्या कौन सी ग्रह है? नाइन्थ में सन है जी ओनली। लगन कौन सी है? हाँ जी लगन कौन सी आपकी? पांच मुझे वो याद नहीं, मुझे तो इतना याद है कि वो एट्थ हाउस में पांच नंबर लिखा हुआ है। एट्थ हाउस में पांच नंबर रखा हुआ, तो नाइन्थ हाउस में आपका सूर्य है। हाँ अच्छा तो फर्श फट जाता है आपका बार बार है ना? बार बार फट जाता है। हाँ इसके लिए ना कलर थेरेपी करनी पड़ेगी जो हमने कोर्स में बताएंगे। ठीक है तो कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, आपको बिल्कुल इसकी रेमेडी मिल जाएगी। बड़ी जो जो आप रेमेडी बताएंगे वो वास्तु वाला होगा ना? हमने एस्ट्रोलॉजी वाला तो हमने इधर उधर बहुत किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, तो नहीं नहीं ये ना वास्तु की ही क्लास है तो उसमें वास्तु की ही रेमेडी आपको बताई जाएगी। हाँ एस्ट्रो का तो मैंने किसी को रेमेडी दी भी नहीं, अभी कुछ पता भी नहीं रहा उससे रिलेटेड, तो वो बार बार हमने तो पाँच छः बार उसको ठीक करवा लिया लेकिन नहीं होता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं रेमेडी बता दूंगा हो जाएगा उससे। ठीक ठीक है जी थैंक यू। ओके धन्यवाद। निशा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सेवेंथ हाउस में सूर्य और शुक्र है तो किस टाइप का डिफेक्ट होगा? सेवेंथ हाउस में सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र है, सेवेंथ हाउस होता है साउथ वेस्ट का, तो आपके घर के साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी और आपकी सेवेंथ हाउस होता है किसका? मैरिड लाइफ का, तो मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी। सर तो किस टाइप की चीजें होंगी साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में सूर्य से रिलेटेड चीजें होंगी या फिर कौन सा बताया दूसरा ग्रह आपने? वीनस। वीनस रिलेटेड चीजें होंगी तो सर क्या होती है ये? तो
सूर्य की चीजें होती हैं तावे की चीजें, है ना, पीला कलर और अच्छा। किसी की पिताजी की फोटो वगैरह, और अच्छा। शुक्र होता है पैसा, लग्जरी कुछ परफ्यूम वगैरह, कॉस्मेटिक आइटम, है ना। तो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए वो? साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो वहां से हटा देना चाहिए क्या सर? बिल्कुल हटा देना चाहिए, अगर आपकी मैरिड लाइफ में इशू चल रहे हैं, मैरिड लाइफ खराब चली तो बिल्कुल हटा दीजिए। ओके थैंक यू सर। 10-15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके सर थैंक यू सर। कोर्स के लिए पेटीएम करवा दें? हाँ बिल्कुल करवा दीजिए। इसी नंबर पे करवाने? जी इसी नंबर पे करवा दीजिए। स्क्रीनशॉट लिया आपने? नहीं सर आया ही नहीं स्क्रीन पे। और ठीक है मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर थैंक यू। ये दिख रहा है आपको? यस सर यस सर यस। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड सर। हाँ ओके सर थैंक यू। ठीक है और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं ये। ओके दिशा जी। हेलो सर मुझे जाना था, मेरे मतलब सेवंथ हाउस में बुध सूर्य और आपकी ना वॉइस, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आवाज। आप ठीक है पहले से बैठा रहे बताइए। मैंने कहा सर सेवंथ और सूर्य साथ ही साथ में शुक्र भी है। कौन से हाउस में? सिक्स सेवन अपना ट्वेल्थ हाउस सेवंथ में बुध मर्क्यूरी वीनस एंड सन तीनों सेवंथ में। नहीं नहीं ऐसे तो टैली करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, जो मैंने आज रूल बताया उससे रिलेटेड कोई बताइए अगर को तो सूर्य के संग कोई ग्रह बैठा हो या फिर शुक्र के साथ, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, दो तीन रूल मैंने बताया उससे रिलेटेड आप बात कर बताइए। ऐसे तो टैली करने बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। नहीं अच्छा चलिए सत्या जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे मेष लग्न है और सिक्स हाउस हाउस में सूर्य और केतु है और ट्वेल्थ हाउस में चंद्र राहु है। ट्वेल्थ हाउस में चंद्र और राहु जी, तो यानी कि आपका साउथ ईस्ट जो है वहां पर जो है टॉयलेट बना होगा। साउथ ईस्ट यस सर है ना। यस सर यस प्रॉब्लम कर रहा है वो आपको, उसकी आपको रेमेडी करनी होगी। ओके सर। सर ये मैं पूछ रही थी अगर मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ तो 15 से अगर स्टार्ट है तो सर उस टाइम मेरा 8:30 बजे से क्लास रहता है, तो क्या सर उसका अगर मेरा एक दिन या दो दिन डिले हुआ तो उसका वो वीडियो डो मिल जाएगा ना? जी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, कभी भी देख सकती हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके ओके थैंक यू सर। ठीक धन्यवाद। रवि कुमार जी। नमस्ते। आपका जो मनी है वो बैठी वो होगी कहाँ पर? नॉर्थ में। नॉर्थ में नहीं है तो फिर शुक्र की राशियां दो दो नंबर लिखा हुआ पांच में, पांचवें हाउस में। लगन कौन सी आपकी? लगन सर 10 लिखा हुआ है। लगन में, लगन में 10 लिखा हुआ है। लगन पता है ना आपको कौन सी? लगन मकर लगन है। हाँ मकर लगन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो दुर्ग राशि बैठी वो हो रही है वो आ रही है कहाँ पर? पांचवें घर में, है ना, ईस्ट वॉल में। और दूसरी राशि बैठी है कहाँ पर? वेस्ट में। तो यहाँ पर आपके होने की मेरा
मेरा है जो मेरा मनी है वो है वेस्ट डब्ल्यू एस डब्ल्यू में डब्ल्यू एस डब्ल्यू में डब्ल्यू एस डब्ल्यू में वेस्ट साउथ वेस्ट में जी सर पैटर्न के जगह पर जी सैटर्न का जोन है ना अच्छा परसों पता लगेगा आपको तो सैटर्न का जोन है लगभग आ गया वेस्ट में ना आ गया वेस्ट में आया आपका डब्ल्यू थ्री जा रहा है क्या जा रहा है डब्ल्यू थ्री में डब्ल्यू थ्री जोन में हाँ वेस्ट जोन में जी जी ठीक है लग गया ना रूल जी सर और सर जो आप क्लास नहीं गए उसमें पर्सनल कुंडली भी हैंडल करते हैं कि हाँ पर्सनल कुंडली हैंडल की जाएगी एग्जांपल तो आप ही कुंडली पर दूंगा ना मैं कहाँ पर क्या रखा हुआ है आप ही टैली करके बताएंगे ये तो सर एस्ट्रो वास्तु हुआ और नॉर्मल एस्ट्रो दूसरा हुआ कुछ इसी में हो जाता है देखो एस्ट्रो वास्तु में नॉर्मल वास्तु होता है कि वास्तु को आपको कैसे डिजाइन करना है नॉर्मल एस्ट्रो क्योंकि कौन सी दिशा है और वहां पर आपको क्या बनाना चाहिए ठीक है एस्ट्रो वास्तु में पता करते हैं कि कुंडली के हिसाब से आपके कौन से घर में रखा हुआ कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है तो इसमें सर जैसे आपने एस्ट्रो वास्तु सीखा जी तो एस्ट्रोलॉजी भी पूरी हो जाएगी उसको अलग से करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी का जितना मैंने आज आपको पढ़ाया केवल उतना ही ज्ञान चाहिए आज स्टार्टिंग से थे आप जी सर था हाँ तो आपको उतना ही ज्ञान चाहिए केवल तीन चार उसका कि हाउसेस कौन से हैं राशि कौन सी हैं और ग्रह कहाँ बैठे हैं ठीक है आपके क्लासेस जो मिस हो जाएगी अगर एक बीच में डेली है सर 15 स्टार्ट है बीच में ब्रेक भी डेली रहेगा पांच दिन इसकी ना रिकॉर्डिंग देंगे अगर आपको मिस हो जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी ओके थैंक यू ठीक धन्यवाद और किसी कोई क्वेश्चन है नहीं है चलिए तो फिर आज का सेशन यहीं पर आज क्लास हम बंद करते हैं और परसों का आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए बहुत अच्छी बात है नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है परसों का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पर मैं बताने वाला हूं कि बिना कुंडली के केवल प्रॉब्लम सुन करके कहां पर वास्तु दोष है कैसे बताएं और उसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मैं नहीं डालने वाला हूं वो यहीं पर आएगी और यहीं पर वो क्लास खत्म हो जाएगी ठीक है तो आप सभी लोग बहुत इंजॉय करेंगे उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं परसों फिर मिलूंगा इसी टाइम पर तब तक के लिए नमस्कार जय माता दी आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा धन्यवाद